हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आप मेरे पीछे देख सकते हो राम मंदिर का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऐसे दुर्गा पंडाल बनाया गया है सेक्टर 7 भिलाई में, तो ये इसका दर्शन करने वाले देखने वाले हैं हम। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है सेक्टर 7 का दुर्गा पंडाल, जो कि राम मंदिर के थीम पे बेस्ड मॉडल की तरह बनाया गया है। और सबसे सामने में गणपति जी बिठाए गए हैं प्रवेश द्वार पे। और हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे गरबा के लिए सेटअप भी है। यस, गरबा के लिए सेटअप है। एंड हम आगे चलते हैं, तो क्राउड आप देख ही रहे होंगे, सहायता राशि एंड ऑल। और क्राउड बहुत सारा है, मतलब अच्छी पब्लिक है आज। और वहाँ पे कैरोके भी हो रहा है, देखो गाना गा रहे हैं वहाँ पे। और अच्छा है माहौल यहाँ पे, नाइस। आज का शाम तो ये ही मतलब क्या बोलते हैं, राम मंदिर पे बेस्ड है ये। हम आगे आ रहे हैं। सो काफी सारा ऐसे रेलिंग बनाया गया है ताकि इजीली लोग जा पाए यहाँ तक। थर्माकोल से, कपड़ों से पूरा ये पंडाल बनाया गया है। और अच्छा फिनिशिंग है, अच्छा लग रहा है, लुक अच्छा है। और ये है एंट्री, एंट्रेंस। लेट्स गो इन। ओके, तो हम आते हैं सीधा। ओके, हम जिधर से आ रहे हैं उसके सामने में जस्ट एग्जिट भी है, उसके पहले हम घूम लें। ओह माय गॉड, मेघनाथ शक्तिवान से लक्ष्मण मूर्छित। ओके, तो ऐसे बनाया गया है यहाँ पे अलग अलग थीम। लव कुश द्वारा अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े का अपहरण। ओ वाओ, यहाँ पे पूरा स्टोरी मिल जाएगा, रावण द्वारा सीता का अपहरण एंड अशोक वाटिका में हनुमान जी को सीता माता का दर्शन। और हम आगे आते हैं, वानर सेना द्वारा राम सेतु का निर्माण। और आगे आते हैं भगवान राम लक्ष्मण और सीता माता का वनवास गमन। ओके, और लाइन से हम देखते हैं, गेट पे बजरंगबली जी हैं। और उसके बाद यहाँ पे है सीता हरण के दौरान जटायु रावण ने युद्ध, अच्छा में युद्ध। ओके, और यहाँ पे भगवान राम और सीता माता और लक्ष्मण भगवान बजरंग बली जी भी हैं यहाँ पे। और आगे हम आते हैं, हनुमान जी द्वारा सीता को अंगूठी देकर भगवान राम का दूत होने का परिचय देना। और आगे हम चलते हैं, यह है भरत जी द्वारा भगवान राम को वन जाने से रोकने की कोशिश। और हम देखें आगे, तो यहाँ पे है केवंट राज द्वारा नदी पार कराते हुए। ओके, और आगे हम चलते हैं, ये माता रानी है, ये है हनुमान जी पर्वत उठाए हुए। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर माता रानी है, बिल्कुल बंगाली दुर्गा की तरह लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। वाओ, ये माता दुर्गा बहुत ही प्यारी लग रही है। और पंडाल भी काफ़ी अच्छा सजा है, दिखाती हूँ मैं आपको। झूमर लगाए गए हैं, फिनिशिंग है, ये पूरा मंदिर का शेप है और सेंटर पे फिर झूमर है। और हम देखेंगे तो पूरा सफेद। और हम आगे चलते हैं, तो हमें और भी देखने को मिलेगा स्टोरीज यहाँ।
यहाँ पे है भगवान राम और लक्ष्मण द्वारा ताड़काबद्ध। ओके, और हम देखें अगर तो ऐसे है, ये है पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या वापसी और भगवान राम द्वारा बाली का वध। ये है एंड यहाँ पे है हनुमान जी द्वारा सीता की तलाश हेतु भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा कर ले जाना। ये देखो, और ये आखिरी है राजा दशरथ द्वारा हिरण समझकर रावण कुमार का वध। ओके, तो ऐसा है, ये निकास द्वार हो गया और ऑल ओवर पंडाल जो है बहुत ब्यूटीफुल इन्होंने सजाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये पंडाल कैसा लगा, सब कुछ कैसा लगा, अरेंजमेंट कैसा लगा, अपना भिलाई है यार ये, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। और हम देखते हैं आगे मेले का वीडियो, यहाँ पे यहाँ से एग्जिट करते हैं हम। जय माता सीता। सो अच्छा है एग्जिट का भी इनका प्लान, एंट्री एग्जिट का। हम बाहर निकलते हैं तो वापस से ग्राउंड में हम आते हैं। तो ये तो है ही है, गरबा वगैरह का अरेंजमेंट है, कैरोके का अरेंजमेंट है, फिर यहाँ पे खाने के लिए स्टॉल्स हैं और ये चलने के लिए अच्छा ग्रीन कलर का बिछा हुआ है, नाइस। फलाहारी थाली भी मिल रहा है, चाय भी है, काफ़ी कुछ है यार। स्टॉल है, फूड स्टॉल के बाद चप्पल का दुकान, मतलब स्टॉल्स हैं बहुत सारे कपड़ों के, खाने के और गेम्स के। हम वापस आ गए हैं बाहर। तो दोस्तों आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। अगर भिलाई में हो तो ज़रूर दर्शन करने आओ यार। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भी वीडियोज़ है देखते रहो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं नए वीडियोज़ पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।